फारिस, यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे? Why do you look so upset? क्योंकि मैं अपसेट हूँ. But why? मुझे बताओ क्यों? वो मैंने प्रपोज किया था उसे, वो इनकार कर दिया उसने. मगर क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उसे लगता है कि मुझसे शादी करके उसकी सर्विस पर ट्रेड होगी, मैं उससे शादी करके खुश नहीं रहूंगा. I don't know. मगर वो ऐसा क्यों सोच रही है? पता नहीं माँ, लेकिन मोहब्बत करती हूँ मुझसे. उसकी आंखों में आंसू थे, इनकार करती हूँ. तो फिर उसने इतना अहमकाना फैसला क्यों किया? उसे तो खुश होना चाहिए था. पता नहीं माँ, कोई मजबूरी भी हो सकती है या फिर उसे कोई मजबूर कर रहा है. माँ, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो मुझे नहीं बता रही, कुछ छुपा रही है. मगर ऐसा कौन कर सकता है? तानिया, ये तानिया ही है. Why would she do that? माँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तानिया ने उसे हर्ट किया. मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, इनको दूर करना पड़ता है, मसाल का निकालना पड़ता है. सो ओके, सब ठीक हो जाएगा. खैर, असल बात तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन जिसने भी ये किया ना माँ, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं. तुरे शहवार कहाँ जा रही हो? बैठो. क्या है? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना? आराम कर करके थक गई हूँ. अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही? मेरा ख्याल रखने को तुम्हें नोट किया तुमने? अच्छा सुनो, मुझे अम्मी की तरफ जाना है. हाँ जरूर. मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना, लेकिन ज्यादा दिन ना लगाना यार. बड़ा जल्दी मांग. हाँ ना, डॉक्टर ने तुम्हें खुश रखने के लिए कहा है, इसलिए जो भी तुम कहोगी वो तो करना पड़ेगा. तुम्हें क्या वाकई में मेरा इतना ख्याल है? अभी भी कोई शक है तुम्हें? तो ऋषभ, देखो मैं एक इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं, इसलिए मुझसे कभी भी कोई ऐसी चीज ना मांगना जो मैं तुम्हें ना दे सकूं. लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर लूंगा. इतनी बेवकूफ नहीं हूं, तुमसे ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगी जो तुम मुझे ना दे सको. जानती हूं इंसान कमजोर होते हैं, मोहब्बत करना और कभी कभी मजबूरी, ये सब चीजें चलती हैं. नहीं, ओ नहीं, सोचा मैंने क्या था और हो क्या गया पता नहीं.
अरे तुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे घर में शेवार की हैसियत बहुत मजबूत होती जा रही है। मैंने सोचा था कि आदिल का दूजा ब्याह करूंगा तरीके से, पर आदिल आदिल को तो शेवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शेवार ने बड़ी चलाकी से, बड़ी मक्कारी से मेरे आदिल को फंसाया। वो अस्मत की बेटियां तो सारे जमाने में बदनाम है, और मैंने दिल पे पत्थर रख कर अपने फायदे के लिए शेवार को नूह बनाया था, और लेकिन उसने तो आते ही मेरे आदिल पे कब्जा जमा लिया। ऐसे कभी कभी मुझे लगता है कि जोया और दुरे शेवार को मात देने के चक्कर में कहीं मुझे शहमात ना हो जाए। और देखना, वैसे तो शेवार मुझसे मकान ले नहीं सकती, लेकिन कल कलां को वो जो मकान है शेवार की औलाद के हिस्से में आएगा ना, और मैंने कितना जीना है, कोई हजारों साल तो नहीं जी सकूंगा। इसलिए जो वो मकान है शेवार की औलाद के हिस्से में आएगा। छलनी करके रख दिया थोड़ा मुझे। अम्मी आप उदास ना हो, हम हर वीकेंड पे आपसे मिलने आ जाया करें। वीकेंड तो 6 दिन के बाद आता है ना बेटा, यहाँ तो लोग लड़कियों को रुखसत करते हैं, हम क्या बेटे को रुखसत करेंगे। क्या हो रहा है ये सब? वो गॉड से एक आंटी, आप क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? अजीब ही अंदाज है आप लोगों का सी ऑफ करने का। अम्मी हम एक नई अच्छी और खूबसूरत जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। आप इतना जज्बाती क्यों हो रही हैं? माएं जज्बाती होती हैं दाना अलबिया, इसलिए माँ को दुख नहीं देना चाहिए। प्लीज इस तरह की बातें करके आप लोग हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करें। क्या हमें हक नहीं कि हम अच्छी जिंदगी गुजार सकें? हम तुम लोगों को रोक तो नहीं रहे। हाँ लेकिन आप लोग हमें अपसेट तो कर रहे हैं ना। दानियाल, दौलत और स्टेटस की चमक ने तुम्हें अंधा कर दिया है। एक्सक्यूज मी, आप लोग सिर्फ दानियल को कसूरवार नहीं कह सकते, दौलत और स्टेटस को देख के तो आप लोग भी मुतासिर हो गए थे। दानियल की बरसों पुरानी मंगनी तोड़ दी, तब आप लोगों को अपनी बूढ़ी बेवा बहन का ख्याल नहीं आया, तो ये क्यों भूल रहे कि दानियल भी आप लोगों का ही बेटा है। मेरीन चलो। एक मिनट, दूसरों को नसीहतें करना बहुत आसान होता है आंटी जी, लेकिन अपनी गलतियों का इतराफ करना उतना ही मुश्किल। मेहरीन चलो, हमें देर हो रही है। ओके अम्मी, बाय। दानियाल, हाँ क्या हाल है? कहाँ है तू यार, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे? बस ऐसे ही।
लगता है पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया तुम्हारा। तुम आ नहीं रहे हो और हम बोर हो रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट तो हर चीज में कम हो गया। एनीवेज तुम सुनाओ व्हाट्सअप। अरे हाँ अंकल कॉलेज आए थे। कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? अंकल तुम्हारे फादर, अंकल जहांगीर। बाबा मेरे कॉलेज आए थे। अलैकुम मम्मी। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ, आने में बहुत देर कर दी तुमने? जी अम्मी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, आदिल दूसरे रास्ते से लेके आया मुझे। अरे किस तरह से बैठ रही हो, एहतियात करो, ऐसी हालत में तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा ये बताओ वो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई हैं वक्त पे ले रही हो ना? जी अम्मी ले रही हूँ। आदिल वो ठीक है ना तुम्हारे साथ? ताया जी का तो आपको पता ही है, लेकिन आदिल बहुत अच्छे हैं। हो हो बड़ी ताबेदार बीवी बन गई हैं। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो अच्छी बात है ना, बीवियों को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ मुझे तो लगता है आप ही को तमगा देना चाहिए, के बाद इंसान के साथ कितना खुश रह रही है। बात है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा तुम समझती हो। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ है। पता है क्या, औरत को अपने घर को बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी अना की होती है। मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम दोनों बातें करो, मैं ज़रा किचन का काम ख़त्म कर लूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। बैठो। काफी सारे दिनों के लिए तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। मुझसे शायद बातें ना हो आप। शादी तो मेरी हुई है, तुम क्यों इतना बदल गए हो? और आपके जाने के बाद यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छा है, खूबसूरत घर है। शायद ये बात सच है कि इंसान की जिंदगी में अच्छा और खूबसूरत घर बहुत अहम होता है। ये बात तो सच है कि अच्छे घर का होना बहुत जरूरी है। देखो भाई मैंने पहले ही तुम्हारे घर में बहुत सफर किया है। I had enough। अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ गुजारा, अब और नहीं। लेकिन अब मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मेरी मेहनत, मेरा सबर, मेरी कुर्बानी सब रंग लेकर आए। आई एम हैप्पी नाउ। आओ मैं तुम्हें बाकी का घर दिखा रही। Thank you.
हम दोनों गुजरे वक्तों की दास्तानों के किरदार न सहे, इंसान तो है, हीर रांझा सोनी महीवाल न सहे, दिल की दुनिया के हुक्मरान तो है, फरसूदा रसूमात के पाबंद सहे, ख्याल यार के पासवान तो है, आतिश फुर्फत के काबिल न सहे, जज्बात के तर्जुमान तो है। तुमने तो हमें हीर रांझा और सोनी महीवाल से मिला दिया। सिर्फ उनका हवाला दे रही, वो तो एक दूसरे से जुदा हो गए। तुम इन सब चीजों को फेंक क्यों नहीं देती? बहुत बार कोशिश की, मेरी हिम्मत नहीं होती। ये अजीब बात है ना आपी, जो मोहब्बत कितनी अहम होती है हमारे लिए, दूसरों के सामने इसकी कोई कीमत नहीं होती। किसकी बात कर रही हो, दानियाल की या फारिस की डिक्टेटर बाप की? सारे बेहिस लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं मेरे लिए। सोया प्लीज, ये सब उठा के फेंक दो। मैं जानती हूँ इन सारी चीजों को तुमने बड़े प्यार से मोहब्बत से संभाल के रखा है, लेकिन इनसे तुम हर्ट होगी और कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें दुख मिलेगा। नहीं, इन चीजों को अब मैं जाया कर सकती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे पास वारिस है। मुझे लगता है मुझे सजा मिल रही है आपकी, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन किसी लम्हे के लिए मेरा दिल मायल हुआ था फारिस की तरफ। कोई सजा नहीं मिली तुम्हें, शुक्र करो जो हुआ है अच्छे के लिए, जान छूट गई उस लड़के से तुम्हारी। मैंने सारी जिंदगी शराब के पीछे ऐसे ही भागती रही। जो प्लीज फारिस से बात, उसे बताओ वो अपने पेरेंट्स से बात कर लेता। क्या कहूँ कि जबरदस्ती करें, उसके पेरेंट्स दिल में तो नफरत करेंगे ना हमेशा मुझसे। आप भी तुम जानती हो ताया भी मुझसे कोई खास मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आदम तो मोहब्बत करता है ना मुझसे। जहां मोहब्बत होती है वहां कॉम्प्रोमाइजेस भी हो ही जाते हैं। लेकिन आप भी फारिस को एक ना एक दिन अपने पेरेंट्स के पास लौटना होगा, फिर मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं, तुम ज्यादा सोचना छोड़ दो, उस पर भरोसा तो करके देखो। ऐसा नहीं है आपी, मैं उसको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। मेरी वजह से वो अपने पेरेंट्स से बगावत करेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहती ऐसा, मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं अपनी इज्जत नफ्स को दाव पर लगाऊं और जबरदस्ती उससे शादी करूं। सर उठाकर जीना चाहती हूँ। बेटा नाश्ता करोगे? नाश्ता बना के लाऊं? अरे नहीं चची जान, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मुझे तो बल्कि अजीब लग रहा है, मैं अकेला बैठा यहाँ चाय पी रहा हूँ और आप लोग यहीं बैठे। बेटा कुछ भी चाहिए हो, ये तुम्हारा अपना घर है, बिला तकल्लुफ बताना है। जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा आपको। मैं तो बल्कि इधर से गुजर रहा था और मैंने सोचा कि दुरेश आवाज से मिलता जाऊँ। डॉक्टर ने वैसे भी इसे ख्याल रखने को कहा है, खुश रहने को कहा है। बहुत अच्छा लगता है जब तुम दुरेश अवार का इस तरह से ख्याल रखते हो, इसका एहसास करते हो। तुम्हें पता है बेटा, रिश्ते एहसास से ही कायम होते हैं। जी आप सही कह रही हैं। से शादी के बाद बहुत बदल गए हैं आप। अच्छा जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं शादी से पहले भी ऐसा ही था छुटकी।
बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है अभी आपने। सोया मत तंग करो भाई को। चची बोलने दे, अपने बहनोई के साथ मजाक नहीं करेगी तो और किसके साथ मजाक करेगी? और वैसे भी ये कारनामा मेरा है, खामखा अपनी बहन के सर डाल रही हो तुम। शादी मैंने की है। ठीक है, तो इसी मासूमियत के सदके मैं आपको माफ कर देती हूँ। तुम लोग बातें करो, मैं जरा किचन में देखती हूँ। दरवाजे के पास खड़े होकर किसका इंतजार कर रही हो? देख रही हूं कि शायद जाने वालों को हमारी याद ही खींच कर लिया है। जाने वालों को अगर इतना एहसास होता तो वो यहां से जाते ही क्यों? हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक अच्छा और बड़ा घर। काश आपने भी किसी अच्छे इलाके में कोई महंगा सा बड़ा सा घर बनवाया होता ना, तो आज हमारा बच्चा हमें छोड़कर ना जाता। मैं भी अच्छा और बड़ा घर बनवा सकता था जरा, अगर मैं स्मगलर होता, मैं डाके डालता, मैं हराम कमाता। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है, मेहनत। और तुम लोगों के तो शिकवे ही खत्म नहीं होते भाई। अपने बेटे की लालच और खुद गर्जी पर पर्दे डालने की कोशिश ना करो। काश तुमने उसकी तरबियत अच्छी की होती। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक जाहिल, खुद गर्ज और हासिद औरत हूं ना, इसीलिए मैंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की ना? खुदा का वास्ता अज़रा, मेरा मतलब ये नहीं है। मतलब यही है आपका? मैंने तो हमेशा दौलत से प्यार किया है, इंसानों को और रिश्तों को तो हकीर समझा है मैंने, इंसानों को बड़े दुख दिए मैंने। ये तो आज मैं अपने बेटे से दूरी का दुख उठा रही हूँ। चल, अब ये कि दानियाल और महरीन अपने घर में खुश हैं तो हमारा क्या है? हम जितनी भी जिंदगी रह गई है सब्र और शुक्र से गुजार देंगे। अभी जितने सारे काम भी पड़े हैं, इस उम्र में ये सारे काम भी हमें करने पड़ेंगे। धान्याल होता था तो कैसे झटपट में सारे काम कर देता था। अब इस उम्र में हम अकेले हो गए, अब हमें बकिया जिंदगी जितनी भी रह गई है वो धान्याल के बगैर गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, आदत डालनी चाहिए, तब ठीक हो जाएगा आस्ते आस्ते। जवान बेटा इस उम्र में हमें छोड़कर चला गया, इससे बड़ा दुख क्या होगा हमारे लिए? मैंने दानियाल को एक एक रुपया जोड़कर उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन के रह गया। और मुझे डर इस बात का है कि वो उसकी ये बेहसी या खुद गर्जी उसे बर्बाद ना करते। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और मुझे तो पूरा यकीन है ये सारी बद्दुआएं जो है ना अस्मतारा और जोया की हैं। अरे मुझे क्या पता था गरीब गुरबाओं की भी बद्दुआएं लग जाती हैं। तौबा तौबा, अच्छा हुआ जो हमने उनसे रिश्ता नहीं किया। सोया, तुमसे बात करनी है, बात करनी है तुमसे। सोया क्यों नॉट कर रही हो मुझे यार, हमारा बात करना जरूरी है। इतना भी जरूरी नहीं है फारिस। अच्छे दोस्त होने प्लीज बताओ, मुझे शेयर करो मुझसे, क्या बात? अब हम दोस्त नहीं है। क्यों? सोया अगर मुझसे कोई गलती हुई है अनजाने में तो आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे प्लीज। हमारे रास्ते अब अलग है, दरिया के दो किनारे कभी नहीं मिलते। दरिया किनारे, क्या बात कर रही हो यार, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो, सीधी बात करो प्लीज। और अगर किसी ने कुछ कहा है तो क्या वो इतना ताकतवर के हमारे रिश्ते को कमजोर कर सके? हाँ, है ताकतवर। कौन है, कौन है वो बताओ मुझे। कोई गैर नहीं है वो।
सोया अच्छी लग रही है। यू नो, मैं सोच रहा था कि हमें अम्मी अबू से मिलने जाना चाहिए। नहीं, मैं वहां हरगिज़ नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए चलो, फिर हम वापस आ जाए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ। अब हम कौन सा साथ रहते हैं, हमें कभी कभी उनसे मिलने चले जाना चाहिए। मूड नहीं है मेरा। चलो ठीक है, जब तुम्हारा मूड होगा हम उनसे तब मिलने चले जाएंगे। तुम्हारे पास समझ में क्यों नहीं आती है? हाँ, तुम अगर इस तरह से भाग भाग के उनसे मिलने के लिए जाया करोगे तो ना तो वो लोग एडजस्ट हो सकेंगे और ना हम लोग एडजस्ट हो सकेंगे। दे ऑल फाइन, वो लोग ठीक है। प्लीज जस्ट रिलैक्स, ओके? बस करो। हेलो जोया, कैसी हो? ठीक। अकेली बैठी हो? हाँ, नोट्स बना रही थी। क्यों, अब सारे समय नोट्स बना के नहीं देता? नहीं, उसके पास और भी काम। हाँ ये तो है, उसने पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पर जो उठा रखा है, उसकी नेचर ही ऐसी है। मगर ना लोग अक्सर उसकी हमदर्दी को गलत रंग में ले लेते हैं। तुम्हें पता है ना, फारिस से मेरी एंगेजमेंट हो रही है। वो अपने तमाम क्लास फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा। तुम आओगी ना? तुमने जवाब नहीं दिया। तुम आओगी ना? मेरा जो भी प्लान होगा मैं फारिस को खुद बता। तुम्हें तो जरूर आना चाहिए, आखिर तुम फारिस की खास दोस्त हो। ये एंगेजमेंट फारिस और फारिस के फादर की ख्वाहिश पे हो रही है। लोग सच ही कहते हैं, बुजुर्गों की दुआओं में बहुत असर होता है। तुमने अभी तक मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मुबारक हो। तुम्हें पता है दोया, आदमियों की जिंदगियों में हजार लड़कियां आती हैं और जाती हैं, मगर घर में वही आती है जिसको उसके माँ बाप लेके आते हैं। हाँ, सही कह रही हो। Anyway, मैं जानती हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो और जिंदगी की हकीकतों को समझती हो। चलो, I gotta go,
But make sure you come to the engagement, क्योंकि तुम एक special guest हो. जी पाजी, शेवार को तो तूने मलिका बना के रख ही लिया है. वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तू मुझे भी उसकी खिदमत में लगा देगा. पाजी आप कैसी बातें कर रहे हो? शेवार ने आखिर आपको ऐसा क्या कह दिया? उसकी जरूरत है जो मुझसे कुछ कह सके. तो फिर अब्बा आप उसे खामखा इस तरह क्यों बुरा भला कह रहे हैं? आपने देखा नहीं उसकी तबीयत नहीं सही? थोड़ा सा उसका ख्याल करें, समझा करें अब्बा. मेरा एहसास कौन करेगा फिर? आदिल, तेरा बात करने का लहजा मुझसे बदलने गया तो अब्बा आपको भी उसे हर वक्त कोसना नहीं चाहिए. आपको पता है कि वो हमें एक बारिश देने वाली है. मेरी बीवी है, इस घर की बहू है. ख्याल करें थोड़ा सा. जोया के लिए एक रिश्ता लाई हूँ. अच्छा है, शरीफ खानदान है, अपना कारोबार है, घर बार अपना है, सब कुछ अपना है. बस एक मसला है, उसकी पहली बीवी मर गई और दो बेटियाँ हैं. ये क्या कह रही हो? आखिर कहीं ना कहीं तो जोया की शादी करनी है. कब तक बिठा कर रखोगी? एक तो इसका मिजाज, ऊपर से पहले ही मंगनी टूट चुकी है, कौन भेजेगा रिश्ता? देखो रजिया, इससे तो अच्छा है कि मेरी बेटी तालीम मुकम्मल कर ले, वकालत कर ले वो. अरे नौकरी और वकालत कब तक करेगी? जिंदगी का क्या भरोसा है? दुर्रा शहवार भी अपने घर की हो चुकी है और ये छत भी तुम्हारी अपनी नहीं है, किराए का मकान है. कहीं ना कहीं तो करनी है ना इसकी शादी. जिया बाजी, मुझे रिश्ता मंजूर है. सोया, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही मम्मी, आखिर कब तक हकीकत से हम लोग नजरें चुराएंगे? सेवाजी आप बस उनसे कहिएगा कि मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ, खालत करना चाहती हूँ. अगर उनको मंजूर है तो आप बात आगे बढ़ाइए. अरे बहुत ही समझदारी का फैसला किया है जोया ने, दुनिया देख रही है ये. अरे मैं अभी ही बात चलाती हूँ, बहुत खुश रखेंगे जोया को, फिक्र ही ना करो तुम. सोया, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं अम्मी, हकीकत पसंदी है. क्या हकीकत पसंदी है? जब मैं बात कर रही थी तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी?
क्या लड़कियां अपने रिश्ते की बात खुद तय करती हैं? और रिश्ता भी ऐसा, उसकी बीवी मर चुकी है, दो बच्चों का बाप है वो। तहफ़ुज दे सकता है ना मुझे? कौन से तहफ़ुज की बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारी शादी फारिस से करना चाहती थी, कितना अच्छा और शरीफ। नहीं करेगा मुझसे शादी अम्मी, उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो अपने खानदान में शादी करे। और आखिर कब तक लड़ेगा वो मेरे लिए? फारिस ने ये बात तुम खुद कही? जी, लेकिन मैं पहले से ये बात जानती थी अम्मी, मैं खुद नहीं चाहती कि वो अपने वालिदैन से लड़े, चाहती हूँ कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे। मैं तुम्हारा दुख दूसरी मरतबा नहीं देख सकूंगी बेटा। दुख नहीं है अम्मी, ये दुख नहीं है, ये मुकद्दर है मेरा। ये देखिए ना, हमारे पास क्या है? ना अपना घर है, ना सर पर छत है। जिंदगी गुजारने के लिए सहारा चाहिए होता है ना अम्मी, मुझे वो सहारा चाहिए। मैं मोहब्बत का क्या करूंगी? मोहब्बत से पेट तो नहीं भरता ना।